In today's class, we are going to proceed with our CBSE sample paper series. जो आपका ये 2022-23 सेशन है, इसमें जो सीबीएसई के सैंपल पेपर है वो सीरीज हम स्टार्ट करें। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना, जो ये कोड होगी, जैसे सैंपल पेपर का जो कोड है 01 है, तो 01 इसके बाद 02-03, ऐसे कोड आपको अपने ध्यान में रखने सारे के सारे, ठीक है। अब देखो, जो आपका लेटेस्ट फॉर्मेट है उसके हिसाब से जो आपका पेपर होगा 3 आवर्स का होगा, ठीक है। इसमें जो सेक्शन होंगे 5 सेक्शन होंगे, 5 सेक्शन का मतलब सेक्शन ए से लेके सेक्शन ई तक। सेक्शन ए जो होगा उसमें 20 MCQ क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का। सेक्शन बी जो होगा उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। इसी तरह से जो आपका सेक्शन सी होगा उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन जो होगा आपका वो 3 मार्क्स का होगा। जो आपका सेक्शन डी है उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। इसी तरह से जो सेक्शन ई है उसमें 3 केस-बेस्ड स्टडीज होगी, ठीक है, और हर क्वेश्चन जो होगा इसमें आपका वो होगा 4 मार्क्स का होगा आपका। ये क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब आपको क्या कहा जा रहा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। देखो, दो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर आपको चॉइस मिलेगी, दो आपके जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे इस पर आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स हैज बीन प्रोवाइडेड, एंड इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन द 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई। सेक्शन ई में जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे वहां भी आपको चॉइस मिलेगी। कह रहा हूं आप यहाँ पेपर करोगे, आपको पता लग जाएगा किस तरह का आपका पेपर आएगा। अब सारा सिलेबस हमारा हो चुका है, ठीक है। पेपर्स के थ्रू बहुत अच्छा रिविजन भी हो जाएगा। पेपर्स करना इसलिए भी जरूरी है कि आपको सारा, जब पूरा सिलेबस एक ही जगह पर जब आप करते हो, जैसे एक पेपर में क्या होगा, जब आप एक पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका वो रिवाइज हो जाता है, क्योंकि हर चैप्टर से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बेसिकली 3 या 4 पेपर के बाद आपके सारे जो कंसेप्ट है आप उससे दोबारा क्या हो जाके फैमिलियर हो जाओ, ठीक है। तो सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए इज द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अगर मैं इसका फिगर बनाऊ, तो ये आपका एक एक्सिस हो गया। देखो आपको क्या कहा गया क्वेश्चन में, द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। देखो ये होती है ना नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन की अगर आप बात करो, दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन, इसका वाई डैश है, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब जो पॉइंट है आपका वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, ये वाली, और कितना यूनिट, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, मान लो यहां पर, तो इस पॉइंट को -3 बोलोगे ना, इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, -3। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो इसका मतलब उसका जो एक्स है वो तो 0 होगा। और जब आप कोऑर्डिनेट लिखते हो, जब आप कोऑर्डिनेट की प्रेजेंटेशन करते हो तो आप करते हो एक्स कॉमा वाई, एक्स आपका 0 हो गया, वाई आपका -3, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। अब कितने स्टूडेंट्स का ये ठीक है ये बताओ, गुड। तो जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी, जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, देखो आपका, द बेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। तो मैं अगर यहां एक राइट ट्राइंगल बनाता हूं, दिस इज द राइट ट्राइंगल, दिस इज द राइट ट्राइंगल ए बी सी, इस तरह से आपने एक राइट ट्राइंगल ले लिया, राइट। चलो जी, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, द बेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, तो इस बेस को आप ले लो 8 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटन्यूज इज 10 सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया फाइंड करना। अब इसका जो एरिया होगा, आपको पता है एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं यहाँ पे बेस की बात करता हूँ तो बेस तो होगा आपका बी सी, और हाइट की बात करता हूँ तो हाइट है आपकी ए, यही है ना आपकी हाइट।
अब यहां पर आपका बेस तो है लेकिन हाइट नहीं, कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम। गुड, तो आपने लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा? ए सी स्क्वायर, तो मैं लिखू टेन स्क्वायर, बिकॉज राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है। ये हो गया आपका बेस और ये उसको कहते हैं परपेंडिकुलर या हाइट। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो एच स्क्वायर है आपका इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या हो गया आपका? टेन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आपको फाइंड करना है, ये हो गया ए बी स्क्वायर। और आपका बी सी स्क्वायर क्या हो गया आपका? एट स्क्वायर। टेन स्क्वायर कितना होगा? हंड्रेड, ये 64 होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो -64 हो जाएगा और इक्वल टू में हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो 36, ये 36 होगा, 36 इसका स्क्वायर होता है 6 का, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर। तो कहने से दैट फाइनली जो ए बी आपका परपेंडिकुलर है वो 6 सेंटीमीटर होगा। तो एरिया क्या होगा आपका? हाफ, बेस आपका हो गया 8 और हाइट कितनी होगी? 6, 2 3 जा 6, तो 8 3 जा, ये कितने स्टूडेंट्स का? ठीक है, गुड। तो देखो जो आपका फाइनल आंसर होगा, प्रेजेंटेशन आपकी इस तरह से होनी चाहिए इस क्वेश्चन की। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपने ट्राइंगल बनाया जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है और जो हाइपोटन्यूज है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हाफ इंटू बेस, बेस हो गया बी सी इंटू हाइट, हाइट आपका क्या हो गया? ए बी। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देन अब देखो ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर क्या हो गया आपका? 10, तो आपने लिखा 10 स्क्वायर। माइनस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर क्या हो गया आपका? 8 स्क्वायर। तो 100 माइनस 64 36। तो अगर ए बी स्क्वायर 36 है, 36 का मतलब हो गया 6 स्क्वायर और ए बी हो गया 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री इज इफ द लेंथ ऑफ ए कोण ऑफ ए सर्कल इज 16 सेंटीमीटर। आपको कहा जा रहा है एक सर्कल है, जैसे कि दैट दिस इज द सर्कल, इसमें जो कोण है, इसमें जो कोण है उसकी लेंथ कितनी है? 16 सेंटीमीटर। तो चलो ये कोण ले लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है? 16 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है आपको? एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, और ये हो गया आपका सेंटर से कोण का डिस्टेंस। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर और ये जो हो गया आपका ये कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, फिर आपको क्या कहा जा रहा है? फिर आपको कहा जा रहा है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मान लो ये जो है आपका, ये हो गया आपका ओ, ये हो गया आपका पी, ये हो गया क्यू। तो कैन आई से दैट अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस विच वी हैव टू फाइंड। ये क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, ये हो गया आपका आर। और आप कैसे इस क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे? आप कहोगे वी नो दैट, वी नो दैट, देखो यहां पर जो ओ एम है, यहां पर जो ओ एम है, ओ एम जो है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा कोण पी क्यू के। ऑल्सो जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये जो लाइन है ओ एम, ये बाइसेक्ट करेगी कोण पी क्यू को, यस और नो? मोटी मोटी बात समझ में आ रही है कि लाइन जो ये ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी करता है, यही पढ़ा था हमने। तो अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस फिर कितना होगा? ये पी एम कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दू तो मेरा रेडियस आ जाएगा। पहले मतलब कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल
एपी इज गिवन कोड, एपी आपके गिवन कोड है, दिस पी इज द गिवन कोड एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ओबी, और ओ एम जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से ओबी पर, ये क्लियर है। वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी कोड बाइसेक्टेड, अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पर वो उसको बाइसेक्ट कर, क्या करता है बाइसेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ए एम है, जो आपका ए एम है और ये जो एम बी है ये पूरे ए बी के हाफ के इक्वल होगा, दैट इज 8 सेंटीमीटर, दैट इज 8 सेंटीमीटर, ये क्लियर हो गया। ठीक है, फिर आपने कहा इन राइट ट्राइंगल ओ एम ए, दिस इज द ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ओ एम ए, क्या ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, यही होगा आपका। ठीक है, देन जो ओ ए है ये आपको फाइंड करना है, इट विल बी इक्वल टू ओ एम, वैल्यू ऑफ ओ एम इज वॉट 15 सेंटीमीटर, तो ओ एम आपका है 15 और ए एम आपका बाइसेक्ट होके कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ये चीज क्लियर होगी। ओ एम कितना है आपका 15 और ए एम कितना हो गया आपका 8, तो देखो तो ओ एम की जगह आपने लिखा 15 तो ये 15 स्क्वायर हो गया प्लस ए एम, वैल्यू ऑफ ए एम इज 8 तो ये हो गया 8 स्क्वायर। अब 15 स्क्वायर क्या होगा 225 और 8 स्क्वायर क्या होगा 64 तो 225 प्लस 64 कितना होगा 289 होगा, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है, तो मैं कह सकता हूं कि जो ओ ए दैट इज रेडियस वो 17 होगा, क्या होगा 17, तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, ये कितने स्टूडेंट्स का ठीक हुआ है, गुड, क्लियर है हमें सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये थोड़ा आप ये कह सकते हो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है आपका, आपसे पूछा गया इन अ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल और द ग्रुप्स आर टेकन अलोन, जब आप हिस्टोग्राम बनाते हो, जब आप इस तरह से हिस्टोग्राम बनाते हो, ये मान लो आपने एक हिस्टोग्राम बनाया, ये जब आप हिस्टोग्राम बनाते हो इस तरह से, ऐसे बनता है ना हिस्टोग्राम, राइट, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो क्लास इंटरवल होते हैं वो एक्स एक्सिस पर होते हैं वाई एक्सिस पर होते हैं दोनों में रखे जाते हैं, यस, जो एक क्लास इंटरवल होता है वो एक्स एक्सिस पर होते हैं और वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं फ्रीक्वेंसी, समझ में आ रहा है, वाई एक्सिस पर क्या लेते हैं, जैसे कि 2000 ऐसे आप याद करो 2001 से लेके 2002 तक 10th क्लास का जो रिजल्ट था वो था मान लो 90%, फिर 2002 से 2003 तक जो ये रिजल्ट था मान लो ये था 80%, तो ये जो आप लिख रहे हो 2001 टू 2002 ये क्लास इंटरवल है और कितना परसेंट था हाउ मच दैट इज फ्रीक्वेंसी, तो आपका जो आंसर होगा इन अ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल और द ग्रुप्स आर टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्लियर हो गया। ठीक है, जो भी आंसर था ना ठीक करते जाना, जो आपने सॉल्व किया अभी क्वेश्चन पीछे वाले कर लिए सारे। ठीक है, इफ रूट टू इज इक्वल टू 1.41, देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में एरर है, मैं पहले बता रहा हूँ क्यों एरर है, देखो पहले मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/√2 को √2/√2 रैशनलाइज कर सकता हूँ ना, तो रूट पहले रैशनलाइज ही करना चाहिए, तो √2 × 1 क्या हो जाएगा √2 और √2 × √2 क्या हो जाएगा 2, ये समझ में आ रहा है, साइन चेंज तब होता दीदी जब नीचे प्लस माइनस होता है, सिंगल डिजिट में एज इट इज होता है, अगर ये होता 1/√2 + √3 तब आप करते 2 − √3 2 − √3, अगर ये होता 1/4 − √5 तब आप करते 4 + √5, अगर दो डिजिट हो तो बीच में जो साइन होता है उसका पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर सिंगल डिजिट है लाइक 1/√5 तो ये एज इट इज ही लिखा जाएगा, सिंगल डिजिट में साइन चेंज नहीं होता, पहले बताओ ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब आप ये बताओ मुझे कि रूट टू की वैल्यू क्या है 1.41, तो आप लिखो 1.41, इसको किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो पहले तो डेसिमल रिमूव करोगे 0 पॉइंट हो जाएगा,
अब 14 का मतलब क्या, 2 7 जा 14, 1 आपका कैरी होगा। अब एक साथ तो होगा नहीं, 1 से तो होगा नहीं डिवाइड, तो आप जब दो डिजिट हम एक साथ लेते तो पहले यहां पर क्या आएगा, 0, और यहां पर आएगा 5। तो आपका आंसर ये जो है ये सी होगा, लेकिन ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पर 0.705 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 0.705। क्लियर है क्वेश्चन, चले आगे। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, इट इज गिवन दैट एबी इज इक्वल टू डी। देखो मैंने यहां पर ट्राइंगल बना दिया, मैंने यहां पर ट्राइंगल से एक ट्राइंगल हो गया आपका एबीसी, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल हो गया आपका डी ई एफ, डी ई एफ। कोई डाउट, क्लियर है आंसर? ठीक है, अब आपको क्या कहा गया है, आपको क्या कहा गया है कि ए बी जो है वो डी के इक्वल है, तो ए बी वो डी के इक्वल है। फिर आपको कहा गया कि जो बी सी है वो ई एफ के इक्वल है, ये आपका बी सी है और ये आपका क्या ई एफ है, ये भी इक्वल है। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है कि भाई अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो थर्ड कंडीशंस क्या होगी आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। देखो भाई दो साइड है, क्या आपने कभी एसएसएस सुना है, होता है, तो क्या यहाँ पर साइड की ऑप्शन है, साइड का ऑप्शन तो है नहीं, तो एसएसएस तो खत्म हो गया ना खत्म। अब आगे देखो, अब बचता है एंगल, तो आपने साइड एंगल साइड तो सुना होगा, लेकिन उसमें कंडीशन होती थी कि ये जो एंगल है वो उनके बीच में होना चाहिए। अब देखो इनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है बी और ई आ रहा है, तो बी और ई का मतलब क्या होगा, ऑप्शन सी। कोई डाउट है तो बताओ, इसका ठीक है, क्या बात है, चले आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 2x-3y इक्वल टू 12। 2x-3y इक्वल टू 12, 2x-3y इक्वल टू 12। अब देखो भाई कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, आप इसको वन बाय वन पुट करो, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा वो सॉल्यूशन नहीं है। तो आपका क्या आ रहा है इसमें, 2,3। चलो मैं इसी को ट्राई कर लेता हूँ, आप x की जगह 2 पुट करो, x की जगह 2 पुट करो और y की जगह क्या पुट करो, 3। तो 2 2 जा 4 -9, तो ये आ रहा है आपका -3, और राइट हैंड साइड क्या है 12, तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये आपका ठीक है। बाकी में आप बाकियों में इक्वल आएगा, एक फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला केस ले लो, आप x की जगह क्या पुट करो 6, तो 2 × 6, और y की जगह क्या पुट करो 0, इक्वल टू क्या होगा 12, तो आ रहा है ना 6 2 जा 12 = 12, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिकॉज ऑप्शन बी पुट करके जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको पॉलिनोमियल नेक्स्ट वेरिएबल गिवन है, यहां पर क्या गिवन है आपको, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। तो आपको पी एक्स गिवन, पी एक्स की वैल्यू गिवन है x³ - x² + x + 1, इसमें कोई डाउट? ठीक है, आपको फाइंड करना है p(-1) + p(1)/2, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, p(-1) अगर मैं यहाँ पे पुट, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ ये किसके इक्वल होगा, p(-1), तो यहाँ x की जगह -1 रखो, तो ये हो जाएगा -1 raised to power 3 - -1 raised to power 2 + -1 + 1, कोई दिक्कत? Then p(1), तो आप इसकी जगह 1 रखो, आप जब आप इसकी जगह 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 raised to power 3 - -1 raised to power 2 + 1
बट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका टू, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो -1 raised to power 3 क्या होगा, -1, फिर ये माइनस आपका एज इट इज आ जाएगा, -1 raised to power 2 हो जाएगा +1, प्लस माइनस क्या होगा -1, फिर आपका ये हो गया +1, 1 raised to power 3 अगेन +1, -1 raised to power 2 -1, ये +1 हो गया और ये हो गया +1, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2। देखो -1 कितने हैं, 1 2 3 4, +1 कितने हैं, 1 2 3 4, ये तो 0 हो गया, 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन, ये किसका ठीक है? गुड, क्लियर हो गया आंसर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो जी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आपको कहा गया ये आपका चैप्टर 1 से रिलेटेड है क्वेश्चन। 125 raised to power -1/3, यहाँ डिनोमिनेटर में देखो क्या आ रहा है 3। अब देखो 125 किसकी पावर 3 होता है, 5, तो आपने लिखा 5 raised to power 3 और -1/3। अब आपको पता है ए रेस टू पावर एम ब्रैकेट एन, ये किसके इक्वल होता है, ए रेस टू पावर एम इंटू एन, तो ये हो जाएगा 5 raised to power 3 into -1/3 इंटू, और माइनस को एक साथ नहीं लिखोगे ब्रैकेट लगा के लिखोगे, दो साइड एक साथ नहीं लिखते, पीछे 3 कट जाएगा, 5 raised to power -1, ये तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका मतलब हो गया 1/5, 1/5 हो गया ऑप्शन सी, क्या हो गया ऑप्शन सी, राइट। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9? ठीक है, तो 5 raised to power -1 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 1/5 आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पर कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इन विच एंगल BDC इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये देखो ये जो एंगल आपका वो 45 डिग्री, एंड एंगल BAD इक्वल टू 75 डिग्री, BAD ये एंगल आपका 75 है, देन एंगल CBD आपको फाइंड करना है, कि CBD ये आपको फाइंड करना है। अब मुझे ये बताओ अगर ये 75 है तो ये कितना होना चाहिए, 75 बाय अपोजिट एंगल ऊपर पैरेललोग्राम। अब क्या इस ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके क्या हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं, मान लो ये एंगल आपका एक्स हो गया, तो आप क्या कहोगे, एक्स प्लस 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 75, 80 और 120 होगा, तो आंसर क्या होगा आपका 60 डिग्री, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए, इज इट क्लियर? ठीक है,